सशक्तिकरण को लेकर फ्यूजन एंड फैशन की ओर से ईद व तीज एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर का आयोजन कांट रोड स्थित मिगलानी सेलिब्रेशन में हुआ, जिसका शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की महानगर संयोजिका अल्पना रितेश गुप्ता के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस आयोजन में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष वनिता मल्होत्रा, प्रिया अग्रवाल, गुंजन शामिल रही। एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के स्टॉल सजाए गए, जिसमें सुबह से शाम तक 300 से अधिक लोग पहुंचे। मुख्य आयोजनकर्ता वनिता मल्होत्रा, प्रिया अग्रवाल, गुंजन ने बताया कि इस एग्जीबिशन व ट्रेड फेयर का उद्देश्य महिलाओं व लड़कियों को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करना है। जो महिलाएं घरों पर बहुत ही कम लागत के साथ किसी व्यवसाय को शुरू करती हैं, उनको एग्जीबिशन व ट्रेड फेयर के माध्यम से एक मंच प्रदान किया जाता है। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेत्री मदालसा शर्मा, साईदास टंडन, निमित जायसवाल, रंजना शर्मा, शुभम गुप्ता आदि उपस्थित रहे। आज ये वनिता मल्होत्रा जी और उनकी टीम, प्रिया अग्रवाल जी, निमित जायसवाल भैया, इन सब ने, गुंजन, इन सब ने मिलकर ये आज फ्यूजन्स एंड फैशन एग्जीबिशन लगाई है। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है इन लोगों का। मैं इन सबको इस एग्जीबिशन लगाने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये एग्जीबिशन आज मिगलानी सेलिब्रेशन में लगाई गई है। महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त उदाहरण है ये। कितना ज़रूरी रहता है, जैसे त्यौहार है और उसका बेनिफिट करने के लिए लोगों को मिलता है? ये बहुत बेनिफिट मिलता है। एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें हमें उपलब्ध हो जाती हैं, राखी और सोन और तीज का भी सामान है यहाँ पर लेडीज़ के लिए, जैसे ज्वेलरी आदि, और यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए गेम वगैरह भी हैं, बेडशीट, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरह की एग्जीबिशन हमारे समाज में, मुरादाबाद में लगती रहनी चाहिए। मैं वनिता मल्होत्रा जी, प्रिया अग्रवाल, गुंजन सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ।